सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ByeTap टेक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JBL क्वांटम 100 के बारे में, और हम इसे अनबॉक्स भी करेंगे। और हमें इसके दो और अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलते हैं, जो कि है क्वांटम 200 और क्वांटम 300। पर हम गरीबों के पास यही है तो हम इसे ही ओपन करने वाले हैं। और पहले देख लेते हैं बॉक्स में बाहर से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मैंशन करी हुई हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर वो सारे डिवाइस दिए हुए हैं जिससे JBL क्वांटम 100 कंपैटिबल है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर साइड में देख पा रहे होगे हल्का सा, गेमर्स को जहाँ तक ये इस लोगों के बारे में पता होगा, ये है डिस्कॉर्ड का साइन, यानी ये डिस्कॉर्ड से सर्टिफाइड भी है, यानी ये वहाँ पर भी अच्छे से काम करता है। और सिर्फ एक होता है काम करना, अलग एक होता है सर्टिफाइड, तो ये डिस्कॉर्ड से सर्टिफाइड है। और अगर हम पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंशन करी हुई हैं, अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। पर लेकिन अगर मेरे को कुछ चीज़ें बतानी हो, जैसे यहाँ पर इन्होंने 3.5 mm जैक के बारे में बात करी हुई है, फिर वही स्काइप, डिस्कॉर्ड और जहाँ जहाँ से ये सर्टिफाइड है उन सब चीज़ों के ऊपर बताया हुआ है, यहाँ पर कोने में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि मैं पढ़ के बताया था, ऑल प्लेटफॉर्म कंपैटिबल और विंडोज सोनिक स्पेशल ऑडियो डिटैचेबल वॉइस और लाइट वेट ड्यूरेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप चलो इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर हमें क्या चीज़ देखने को मिलने वाली है। तो इसे ओपन किया जाए, और बाय द वे यस, हमने पहले से ही खोल रखा था। और आई थिंक उल्टा, तो ये आ गया हमारे सामने असली आइटम। बॉक्स को थोड़ी देर साइड में रख देते हैं, और ये हमारे हेडफोन हो गए। और इसके साथ ही हमें देखने को मिलता है तामझाम, जो कि हमें जनरली देखने को मिलता है। तो एक बार पन्नी वन्नी हटाई जाए। सो ये हो गया हमारा माइक, और जो ये माइक है वो भी गोल्ड प्लेटेड हमें देखने को मिल रहा है, और ये एयर फिल्टर के साथ हमें देखने को मिलता है। ओके, एक किताब, ये तो सिर्फ एक पेज है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। ओ माय गॉड, दो किताब और ये तीसरी किताब, और लगभग सारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल ब्रांड होने का यही फायदा होता है कि वहाँ पर आपको सारी लैंग्वेज भी देखने को मिल जाता है, इंग्लिश, चाइनीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएगा। अभी इसे साइड में रखेंगे और बात करते हैं अपने हेडफोन की। अब इसकी पन्नी निकाल दी जाए, पन्नी फेंको साइड में, और ये रहे हमारे हेडफोन JBL क्वांटम 100। और यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी JBL की तरफ से, और इसके ईयर कप्स में यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी JBL और JBL। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली प्लास्टिक बिल्ड है, और बिल्ड क्वालिटी मेरे को अच्छी लग रही है, मेरे को यहाँ पर ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिल रहा अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ। हाँ, और प्राइस हम आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताने वाले हैं। और फिलहाल इसके अगर केबल की बात करी जाए यहाँ पर, तो ये जो आपको केबल देखने को मिलती है एक ब्रेडेड केबल देखने को मिलती है, जिसकी थिकनेस ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, मतलब सही है, ठीक है। और फिर अगर इसकी यहाँ पर बात करी जाए, इसके जैक की 3.5 mm जैक की देखने को मिल जाए बात करी जाए, तो यहाँ पर ही आपको हल्का सा टिल्टेड देखने को मिलता है, और इसमें आपको गोल्ड प्लेटेड देखने को मिलता है। वैसे गोल्ड प्लेटेड के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि हाँ ठीक है, शुरू में गोल्ड प्लेटेड है हम कह सकते हैं, एक एडवांटेज देता है, बट आफ्टर सम टाइम एक महीने बाद ये गोल्ड प्लेट आपको नहीं देखने को मिलती, तो वो चीज़ भी एक इशू है। और वो देखते हैं इसमें कब होता है। मेरे साथ ऐसा मेरी MI की लीड के साथ तो ज़रूर हुआ था। और अगर इसकी बात करी जाए इसके माइक्रोफोन की, हम इसे यहाँ पर ऐसे करके अटैच कर सकते हैं, ये ऐसे करके यहाँ पर इसका माइक्रोफोन अटैच हो जाता है, और आप ये शेप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से जैसे आपको सही लगता है। फिर फिलहाल इसके अगर बात करी जाए कितना कंफर्टेबल है पहनने के टाइम पे, तो अगर एक बार पहन के देखें तो ये कम्प्लीटली आपका ओवर द ईयर एक हेडफोन आपको देखने को मिलते हैं JBL की तरफ से, जो बेसिकली बनाए गए हैं गेमिंग के लिए। और अभी कम्प्लीटली इन्होंने मेरे कानों को ढक दिया है, और वो जो एक वैक्यूम सा फील होता है ना, वाली चीज़ अभी फील हो रही है यहाँ पर। और अगर बात करी जाए कि मतलब गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल टाइट है। और अगर इसकी प्लास्टिक बिल्ड वगैरह मेरे को ठीक ही लगा, और यहाँ पर आपको कुशन देखने को मिलता है सर की तरफ, ताकि आपको कोई इश्यू देखने को ना मिले। और ये यहाँ पर 90 डिग्री तक घूम सकते हैं, ताकि अगर जैसे आपने इसे कंधों पे रखा हुआ है, अपने शोल्डर्स पे रखा हुआ है, तो ऐसे करके आप इन्हें रख सकते हो गेम खेलते टाइम, अगर आपको रखना है रेस्ट करने के लिए। और बाकी अगर बात करी जाए, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, ताकि आपके हेड के अकॉर्डिंग
आप इसे खोल सकते हो और ये ज़्यादा ढीला भी ना हो, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जब आप इसे खुद एक बार यूज़ करोगे तो। और अगर बाकी चीज़ों की बात करी जाए, यहाँ पर आपको लेफ़्ट राइट भी मेंशन किया हुआ है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये सारी चीज़ें मेंशन करी हुई जो बहुत ही सिंपल है। और अगर अब इन ईयर कप्स की या फिर कुशन्स की बात करी जाए तो जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है, अब देखो ये डिपेंड करती है ब्रांड टू ब्रांड, कुछ जगह पर सही होती है ड्यूरेबिलिटी, कुछ जगह पर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और ये तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा ये कितने ज़्यादा ड्यूरेबल है। और साउंड वगैरह अभी हम आपको सुनाने वाले हैं, साउंड तो शायद नहीं सुना पाऊंगा, बट हाँ इसकी माइक की क्वालिटी हम आपको जरूर दिखाने वाले कि माइक की क्वालिटी इसकी कैसी होने वाली। तो चलो अब इसका माइक कनेक्ट किया जाए। सो अल्फा टू चार्ली, हेलो, ओवर एंड आउट। तो जो अब आप ये आवाज़ सुन रहे हो ये आपको इस हेडफोन के माइक से सुनने को मिल रही है। तो अब आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा इसका माइक कैसा है, और आपको जो सामने वाला पर्सन है जब आप गेम खेल रहे होगे, जो आपका फ्रेंड है, उसे कैसी आवाज़ सुनाई देने वाली है। तो चलो अब इसका माइक निकालते हैं और अब मिलेगा हमारा अपना माइक। ओहो, कहानी मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर दी। मैं इसकी आपको एक और बात बताता हूँ, यहाँ पर ना आपको इस साइड में बटन देखने को मिलता है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, अगर आप उसे दबा दोगे तो उसके बाद इसके माइक से आवाज़ आपको नहीं आएगी। जैसे कभी कभार होता है अगर मैं गेम खेल रहा हूँ और मुझे लगता है कि यार अब माइक मेरे को बंद करना चाहिए, बार बार डिटैच करने से अच्छा है कि मेरे यहाँ पर सिर्फ एक बटन है, अगर मैंने उसे बटन को प्रेस किया तो इसका माइक काम करना बंद कर देगा। जैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, मैंने और अब मैंने वापस माइक बटन प्रेस कर दिया, तो अब आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये इसका एक यूनिक फीचर है जो मुझे बहुत सही लगा, गेम खेलते टाइम पे आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, जो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बार हुई है कि मुझे लगता है यार अब माइक ऑफ करना चाहिए, या तो मैं बार बार इसे डिटैच तो करूँगा नहीं, तो इसलिए ये एक ऑप्शन हमें बहुत सही देखने को मिलता है। तो अब जो आपको आवाज़ दिख रही है वो हमारे माइक से देखने को मिल रही है, और जिस मैं बटन की बात कर रहा था वो बटन यहाँ पर है। अगर आप इसे प्रेस करते हो तो देखो ये अंदर दब चुका है, अब यहाँ पर जो इसका माइक काम नहीं करेगा, अगर मैंने इसे प्रेस कर दिया अब इसका माइक काम करेगा। और इसी के साथ साथ जब आप गेम खेल रहे हो, आप बार बार वॉल्यूम अगर आपको बढ़ाना है या घटाना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। और ये एक स्लाइड है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, यानी जो अगर मैं इसके बटन्स की बात करूँ ना वो तो इसमें एक नंबर के दिए हुए हैं, अब ये स्लाइडर है। स्लाइडर से फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपको पता होता है कि आप कितनी आवाज़ बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, और एक अपनी एक यूनिकनेस होती है, और एक जो फील देके जाता है स्लाइडर उसकी बात ही अलग होती है। और यहाँ पर ग्रिप भी दी हुई है आपको हर एक स्लाइडर पर, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे इसके अंदर। और बाकी बिल्ड क्वालिटी और अगर साउंड वगैरह की बात करी जाए ना तो ऑसम है। गेम खेलने के टाइम पे आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला, बिलीव मी, अगर बंदा लेफ्ट से आ रहा है तो बंदा लेफ्ट से आ रहा है आपको पता होगा, अगर राइट से आ रहा है तो राइट से आ रहा है आपको पता होगा, आपके राइट कान में पता चलेगा। जो इसकी साउंड क्वालिटी है गेमिंग के टाइम पे, तो मुझे नहीं लगता इस प्राइस रेंज में कोई इसे बीट करने वाला आपको देखने को मिल जाएगा। और जिस ब्रांड नेम के साथ आ रहा है ये, और आपको पता ही है ब्रांड JBL, जिस ब्रांड के साथ आ रहा है और जो प्राइस के साथ आ रहा है, उसमें मेरे को नहीं लगता इसके आसपास भी कोई टिक रहा होगा। और अगर आप एक म्यूज़िक लवर हो, अगर आप म्यूज़िक सुनना चाहते हो, तो उसमें भी आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली, अनटिल और अनलेस आपको बहुत ज़्यादा बेस पसंद है। उसके अलावा अगर आपको मीडियम बेस पसंद है, और बाकी तो साउंड क्वालिटी में इसमें कोई कमी है नहीं, और जो इसे देख के बनाया गया है वो गेमर्स को देख के बनाया हुआ है। तो अगर इसके प्राइस की बात करें तो जो इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है वो अराउंड आई थिंक 4000 के अराउंड लिखा हुआ है, पर हाँ MRP में कोई भी चीज़ नहीं मिलती। तो जो इसका प्राइस अभी आपको जो बेस्ट सेलिंग प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा वो है 2500 या 2600 रुपये के आसपास ही आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये थी आज की हमारी वीडियो इस JBL Quantum 100 के ऊपर। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइबर आइकन और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।